हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स, इसके अलावा 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, जहां हम आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स। साथ ही हम देखेंगे स्टॉक्स इन न्यूज़, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 19,350, दूसरा सपोर्ट लेवल है 19,290, पहला रेजिस्टेंस है 19,450 और दूसरा रेजिस्टेंस है 19,500। इसके अलावा इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 43,400, दूसरा सपोर्ट लेवल इंट्राडे का 43,100। इसके अलावा पहला रेजिस्टेंस है 43,930 और दूसरा रेजिस्टेंस है 44,130। चलिए अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे के बारे में, यानी कि आपको स्टॉक रिकमेंड करेंगे हम 5 स्टॉक्स और आप इन स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं 7-10 डेज के लिए। आज का सबसे पहला स्टॉक रिकमेंडेशन है जाइडस लाइफ। यहाँ पर राइजिंग वॉल्यूम है तो आप इसे बाय कर सकते हैं अराउंड 597 पर। स्टॉप लॉस 582 रख सकते हैं, पहला टारगेट रख सकते हैं 612 और दूसरा टारगेट 627 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक रिकमेंडेशन है एस्ट्रा माइक्रो, यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 486 पर। स्टॉप लॉस 470 रख सकते हैं, पहला टारगेट 504 और दूसरा टारगेट 520 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये रिवर्स फ्रॉम द सपोर्ट है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 538 पर। स्टॉप लॉस 522 रख सकते हैं, पहला टारगेट 555 और दूसरा टारगेट 570 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहां पर राइजिंग वॉल्यूम है, बाय कर सकते हैं 173 पर। स्टॉप लॉस 166 रख सकते हैं, पहला टारगेट 180 और दूसरा टारगेट 187 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट इज VBL, यहां पर बुलिश मोमेंटम है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 991 पर। स्टॉप लॉस 962, पहला टारगेट 1020 रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 1050 पर रख सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे और देखते हैं उनके परफॉर्मेंसेस, जिसमें से टाटा एलेक्सी वेंट अप 4.1%, बोथ टारगेट्स अचीव जो हमने आपसे शेयर किए थे। इसके अलावा कोचिन शिप वेंट अप 3.6%, पहला टारगेट अचीव किया है और EIH लिमिटेड वेंट अप 3%। चलिए अब बात करेंगे स्टॉक्स इन न्यूज़ के बारे में, जिसमें आज देखेंगे श्री सीमेंट, IRCTC एंड आईनॉक्स विंड के बारे में। श्री सीमेंट के क्वार्टर टू रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 158% ईयर ऑन ईयर ऊपर रहा, रेवेन्यू 21.3% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, एबिटा वाज अप 66.1% ईयर ऑन ईयर एट रुपीज 869.6 करोड़, वही मार्जिन केम एट 19% वर्सेस 13.85% एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। IRCTC के क्वार्टर टू रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 30.4% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, रेवेन्यू वाज अप 23.5% ईयर ऑन ईयर, मार्जिन केम एट 36.8% वर्सेस 37.8% एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। साथ ही आईनॉक्स विंड के बारे में बात करें तो इनके बोर्ड ने अप्रूव किया है रेजिंग फंड्स वाया प्रेफरेंशियल शेयर्स फॉर एन अमाउंट एग्रीगेटिंग अप टू ₹500 करोड़। फिलहाल के लिए इतना ही, और इंपॉर्टेंट स्टॉक रिलेटेड अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कोई भी फीडबैक है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।